हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज सिंपलीफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उसको क्वेश्चन वैसे पूछता है और फंस जाते हैं, तो उस क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है तो वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन आता है इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमेशा पूछता है, रेलवे NTPC SSC सब में क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है 999, 999 सही, 995 अपन 999 इंटू 999 का मान क्या होगा। इजी एकदम है, देखिएगा इसको आप लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं, जब आप शुरू में हम क्लास लिए थे इसका तो बताए थे आपको कि मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। फ्रैक्शन वाला क्लास देखेंगे तो पता चल गया होगा मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अगर ए सही बी अपान सी दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी अपान सी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए बी इसमें इसका मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हैं, तो वही काम इसका इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब देखिएगा यहां तक लिख सकते हैं। अब आइए इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई। अब बेसिक समझा रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कि कैसे उसको फास्ट करेंगे। देखिएगा 999 प्लस 995 पर अपान 999 इंटू 999, इसका दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये सब में मल्टीप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई है, इसको तोड़ेंगे सब में मल्टीप्लाई होगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। बात क्लियर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा 999 और इसको आप क्या लिख सकते हैं जीरो के टर्म में, तो नौ सौ निन्यानवे है तो 1000 लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए ध्यान देखिएगा, एक लिख के जितना 9 रहता है उतना 0 बढ़ा देते हैं, माइनस 1 करेंगे तो 999 आ जाएगा और प्लस 995। इजी हुआ, देखिएगा इसका इसका मल्टीप्लाई कीजिए 999 एक दो तीन, तो 1 2 3 माइनस 999 प्लस 995। इसको इसको ऐड करेंगे तो माइनस ये 4 बचेगा, 4 इसमें से माइनस कर दीजिए, 699899 आंसर। इजी तरीका से आ गया। तो क्या करते हैं, बस आप देखिएगा कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मिक्स फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, कुछ नहीं कीजिए और सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा जब 99 के टर्म में रहता है तो उसको 00 के टर्म में बनाने की कोशिश कीजिएगा कि बन जाता है। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 0 एक इसमें से किसी को 00 के टर्म में बना दीजिए, ये बना दिए और इससे कट गया तो ये अलग ही रहेगा। अब इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो माइनस ये है और ये प्लस है, तो माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम है, तो माइनस वाला माइनस 4 आ जाएगा और इसको माइनस करके इतना मान ला देंगे। तो मान समझ में आ गया, आगे आंसर कोई दिक्कत नहीं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी बेस नेक्स्ट क्वेश्चन आज वो भी है, उसको भी इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है 1/5 प्लस 999 सही 1/4 4/4/4/95 इंटू 99 का मान क्या होगा। इजी तरीका है, देखिएगा 1/5 प्लस इसको आप चेंज क्या कर सकते हैं 999 इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है 495 प्लस 494 अपान 495 और सबका मल्टीप्लाई क्या किया है 99। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया। अब ये देखिएगा कट जाएगा, जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो कट जाता है, उसको लिख देते हैं ये कट जाएगा 5 बार में, 5 9 45 के 5 7 में 4, 5 9 45 49 ये आ गया 1 प्लस 999 इंटू 495 प्लस 494 और अपान में आपका हो जाएगा, ये भी 5 है ये भी 5 है तो 5 इसका एलसीएम। यहाँ तक तो बात क्लियर, देखिएगा 1 प्लस 999 को चेंज कीजिए तो 1000 माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई किया है 495 प्लस 494 अपान 5 1 प्लस इसका इसमें माइनस का देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 495000 माइनस 495 और प्लस 494 अपान 5। सॉल्व कीजिए, 1 प्लस इसको इसमें माइनस करेंगे, देखिएगा यहाँ पे काट कर दीजिए,
494 है, 494 है, 495 है, 495 एक अंक अधिक है, और ये माइनस है, ये प्लस है, ये कट जाएगा, बच जाएगा आपका क्या 495000/5, 5 9 जा 45, और 4 5 9 जा 45000, 99000 आपका आंसर है। तो समझ में आया कैसे हुआ है? और देखिएगा इसको लिख लेते हैं, जब ए वाला जब ज़्यादा वाला टर्म्स रहता है इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कटने वाला रहता है, देखने में तो हार्ड है लेकिन कुछ कटने वाला रहता है, लास्ट में देखिए कटने वाला हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। और उसके बाद जब हम इसको लेके चलते तो कट जाता है 5 में, इसको और इसको ऐड करते हैं, ऐड कर लीजिए 999 वाला जो टर्म्स आता है ना, 999 रहे, 999 कितना भी रहे उसको हम चेंज करते हैं किस में, तो 100 के रूप में उसको 10 के रूप में हम चेंज कर देते हैं, 10 के फॉर्म में चेंज करते हैं। जब 10 के फॉर्म में उसे चेंज करते हैं तो ये ईजी हो जाता है, और ईजी हो तो उसको सॉल्व करने में आसान होता है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका मान आ गया यहाँ पे, एकदम ईजी तरीका से बताया हूँ, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, 2 ट्रिक था, 2 ट्रिक बताया हूँ। कल कुछ और नया क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, चैप्टर तो टाइम एंड स्पीड का ख़त्म हो गया है, उसमें जितना क्वेश्चन बन सकता है बता दिया हूँ, कल से नया फिर टॉपिक लेके आऊँगा, नया क्वेश्चन लेके आऊँगा, प्रतिदिन कुछ यूनिक क्वेश्चन आपको कराऊँगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश की, मैथ की और GK करंट अफेयर 4 क्लासेज आपकी चलती हैं, 1 क्लास जल्द ही शुरू होने वाला है, बुक ऐप शो द हिंदू का बुक ऐप शो, डेली सुबह में आपको 8 बजे से 9 बजे के बीच में मिल जाएगा। अब देखिए कब शुरू होता है, लेकिन जल्दी शुरू होगा द हिंदू बुक ऐप शो, एंटोनिम्स एनोनिम्स उसमें आपको सब मिलेगा, फ्रेजल वर्ब जो भी एग्जाम की दृष्टि से सब कंप्लीट होगा इंग्लिश का। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चे के पास पहुँचे, प्रॉब्लम किसी का ना हो। और हाँ, 4 क्लासेज लगातार चल रही हैं और 5वां क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ये है कि 3 क्लास से अधिक नोटिफिकेशन 24 घंटे के अंदर नहीं जाता है, मतलब कि 3 क्लास का बस नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, तो आप ये मत समझिएगा कि 3 ही क्लास चला है, सब क्लास 5 क्लास हो रहा है, 2 का नोटिफिकेशन नहीं गया, तो आप आके देख लीजिएगा, टाइमिंग उसका पता ही है आपको क्या टाइमिंग है। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।